बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। आप देख रहे हैं एबीसी 24 न्यूज़ एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जीवित बबुल वृक्ष की अवैध कटाई कर किया गया निर्माण कार्य, ग्राम जीवनारा के ग्रामीणों ने सरपंच कुमारी खुर्द पर लगाया आरोप। लांजी जनपद पंचायत अंतर्गत कुमारी खुर्द पंचायत के ग्राम जीवनारा में सरपंच द्वारा जीवनारा ग्राम की शासकीय भूमि शमशान घाट का खसरा नंबर 93 में स्थित हरे जीवित बबूल वृक्ष की अवैध कटाई कर विक्रय किया गया। एक तरफ शासन प्रशासन पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अभियान, वृक्षारोपण आदि अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर पेड़ों की कटाई करके वहां पर सेट निर्माण का कार्य जीवनारा के सरपंच द्वारा किया गया। ग्रामीणों ने उक्त पंचायत प्रतिनिधि पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस संबंध में लांजी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी को शिकायत के अनुसार प्रमुख बिंदु के तो शिकायत पत्र वितरित किया गया, जिसमें बिंदुवार लेख है कि ग्राम पंचायत कुमारी खुर्द अंतर्गत जीवनारा घास की शासकीय भूमि शमशान भूमि का खसरा नंबर 93 रकबा 4.31 एकड़ है, जिसमें हरे भरे वृक्षों को बिना अनुमति के अवैध कटाई सरपंच राम किशन चौधरी के द्वारा की गई। ग्राम पंचायत खुर्द द्वारा की गई कटाई विक्रय की संख्या 208 है और लंबाई 50 है। शासन के नियम अनुसार हरे वृक्षों की अवैध कटाई दंडनीय अपराध है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पेड़ों की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा उचित राशि का सरकार पंचायत के खाते में ना डालकर दूसरी जगह काम में लाया गया है। एमपीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। हाँ विजय भैया, आप क्या नाम लिखते हैं भैया? आपके पिताजी का नाम? कहाँ के निवासी हैं आप? सिरे गांव, तहसील जिला बालाघाट। आपने भैया जीवनारा मोक्ष धाम से जो पेड़ खरीदे, तो उसमें सरपंच ने आपको क्या बोल के पेड़ खरीदने के लिए कहा? सरपंच बोला कि मैं पावर हाउस लग रहा है, वहाँ नीलामी कर रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं बोला है। मैंने कहा कि सौदा किया, सौदा करने के बाद में उसको प्रमाणीकरण मांगा। हाँ। एक बार मैंने 10,000-11,000 रुपए दिया बयाना का। हाँ। उस समय मैंने दिया नहीं प्रमाणीकरण। अच्छा, दूंगा खरीदे ना। अच्छा, सरपंच ने ये नहीं कहा कि ये मोक्ष धाम है तो यहाँ की लकड़ी काटना उचित नहीं है, और यहाँ पे बोले पावर हाउस आ रहा है और बिजली का पावर हाउस बनने वाला है जी, ये बात कहा था आपसे? तो आपने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आपने ऐसा पूछा था उनसे? हाँ जी। तो उन्होंने क्या बोले थे आपसे? प्रमाणीकरण दूंगा, प्रमाण पत्र बना के दूंगा। कि बोले गांव वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसने ऐसा बोला कि आपसे? मैंने तो बोला था सचिव को भी साइन चाहिए मेरे। हाँ, तो सरपंच ने क्या बोला? सचिव ने लगता बोला, किसी की साइन दस्तखत की कोई जरूरत नहीं, इस टाइप से बात किया उसने। अच्छा, तो कितने में खरीदे आपने? मैंने उसकी 41। अच्छा, कितने पेड़ थे विजय भैया? 17 बता रहे थे, 18 पेड़ थे ना। अच्छा, तो ये उसने ये बोला था आपको कि ये मोक्ष धाम में पेड़ जो हैं ये हम पावर हाउस के लिए बना रहे हैं, पावर हाउस बन रहा है इसलिए काट के बेच रहे हैं, पावर हाउस बनाने में पावर हाउस बन रहा है और पेड़ों से दिक्कत आ रही है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, ठीक है।